31 अगस्त जब एनआरसी सेवा केंद्र में गया, जाने के बाद मैं देखा कि मेरा नाम और हमारा फैमिली का 30 लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है। तब मुझे वो मियां पोएट्री याद आया था जहाँ पर काजी नील ने कहा था, मेरा दोस्त काजी नील ने कहा था, दिस लैंड इज माइन एंड आई एम नॉट ऑफ दिस लैंड। तब मेरा दोस्तों ने ऐसा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा था, बोल रहा था कि तुम अब गाड़ी मत चलाओ, लोगों से ज़्यादा बात मत करो। सोच रहा था कि शायद मैं टूट जाऊंगा, लेकिन टूटा नहीं था। इसलिए कि एनआरसी से नाम काटने के बाद अगर कमज़ोरी हो जाता हूँ, अंदर से कमज़ोर हो जाता हूँ, तो स्ट्रेंथ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन लोगों के साथ हम इतने दिनों से काम कर रहा हूँ। 2015 में जब से एनआरसी शुरू हुआ था, तब से हमारा एक्टिविज्म ज़्यादा ज़ोर से शुरू हुआ था। 2018 में हमारा टीम ने मोर देन 4,600 अप्रोक्सीमेट वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग किया था किस तरह से क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल किया जाए और किस तरह से जेन्युइन इंडियन सिटीजन को एनआरसी में ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए उन लोगों को उत्साहित किया जाए। सबको पता है अकॉर्डिंग टू सत्सर कमेटी के चौर एरिया में जो लिटरेसी परसेंट है सिर्फ 19.32%। इसलिए उन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल है इस रूल्स एंड रेगुलेशन को लोगों तक ले जाने के लिए। एनआरसी अथॉरिटी भी फेल है, स्टेट भी फेल है, जहाँ पर स्टेट चाहता है कि इन लोगों को स्टेटलेस बनाया जाए। मैं अपना कहानी बताना चाहूँगा। 1921 जब मेरा ग्रैंडफादर का जन्म हुआ था, 1934 ग्रेट ग्रैंडफादर का लैंड डॉक्यूमेंट है, 1951 एनआरसी जब हुआ था, 1951 एनआरसी, तब हमारा ग्रैंडफादर का एज था 30 और 1971 में एज हो गया था 51 एंड इन 1998 में 78 साल जब हुआ तब रेस्ट इन पीस उनका देहांत हो गया था। इस प्रोसेस में जो हमने देखा, जिसके पास ऐसे बताया जाता है रूल में है कि जो डिबूटर से उन लोगों को अगर ट्राइब्यूनल से जजमेंट मिलेगा तो उनका नाम एनआरसी में इंक्लूड होगा, लेकिन बहुत सारा केस मिला जहां पर डिबूटर को जजमेंट मिला एफटी से कि ही इज़ नॉट ए फॉरेनर, बट एनआरसी ने उनको छोड़ दिया। ऐसा बच्चा मिला जिसका एज अंडर 14 है और उनका पिता माता का नाम एनआरसी में है, फिर भी उनका नाम एनआरसी से लेफ्ट आउट है। ऑब्जेक्शन कैसे ऐसा है जहां पर कहा गया था कि ऑब्जेक्शन एक्सपर्ट ही हुआ है, जो जिसने ऑब्जेक्शन फाइल किया था वो हाजिर नहीं हुआ था इसलिए वो एक्सपर्ट ही हो गया, तो उनका नाम कटने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी ऐसा लोगों का नाम कटा है। ये सब देखने के बाद और एक बात बोलना चाहूँगा, हमारा जो फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री में टोटल 33 लोग है, वहाँ से 3 लोगों का नाम इंक्लूड हुआ है और बाकी 30 लोगों का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है। और एक बात, 1951, 1966, 71, 97 जितना डॉक्यूमेंट चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं है और एक भी वहाँ पर कोई एस का भी गलती नहीं है, फिर भी नाम नहीं है। ऐसा हज़ारों केस असम में मिलेगा, हज़ारों केस जो हम लोग देख चुका हूँ। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि एफटी में जो हुआ, एफटी में जो चल रहा है, हमने देखा 1997 में जब डिबूटर बनाया गया था, उनमें से 1997 से 2012 तक अकॉर्डिंग टू वाइट पेपर
असम गवर्नमेंट का वाइट पेपर बोलते हैं कि 1997 से 2012 तक 83% केसेस जिनको इंडियन जजमेंट मिला था, लेकिन उनके बाद से जब से नया गवर्नमेंट आया तब से मोर देन 90% केसेस को फॉरेनर जजमेंट मिल रहा है। और आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले इस साल एनआरसी के फाइनल लिस्ट आने से पहले असम असेंबली में एक डाटा दिया था जहां पर बताया गया था 25 लोग डिटेंशन सेंटर में मर गया, जिनका 23 लोगों का एड्रेस है असम, सिर्फ 2 लोगों का एड्रेस है बांग्लादेश। ये बोलना चाहूँगा डिटेंशन सेंटर में जितने लोग हैं मोर देन 90% लोग इंडियन है, दावे के साथ बोलना चाहूँगा। अमृत दास जो डिटेंशन सेंटर में मर गया वो बरपटा रूट का बासिंदा है। अन्नवाला राय को डिटेंशन सेंटर में कैद किया गया था, सुनावला को कैद किया गया था, ये सबको पता है। कदम अली के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, जिस कदम अली को डिटेंशन सेंटर में लेके गया है आज से 2.5 साल पहले, और पूरा फैमिली 7 मेंबर पूरा फैमिली आज उनका खाना पीना कहाँ से आएगा, क्या करेगा। ओनली ही वॉज ओनली पर्सन जिस जो जो आदमी कमाई करते थे, काम करते थे, बाकी घर में जितना 2 महिलाएं हैं और एक उनका पिताजी है, पिताजी बीमार है, तो उन महिला का क्या होगा जिसका हस्बैंड को डिटेंशन में कैद किया गया है, जिसका पिताजी अभी भी इंडियन है, अभी भी वोट डालता है, इस साल भी वोट डाला, उसके माताजी इंडियन है। डिटेंशन जो एफटी का जो जस्टिस, पहले तो उन लोगों को एफटी मेंबर बनाया गया था जो रिटायर्ड जज था, लेकिन अभी उन लोगों को चांस मिल रहा है जो 7 साल का सिर्फ लॉ प्रैक्टिस किया है, उनको अभी चांस मिल रहा है, अपॉइंटमेंट मिला है। तो लोग क्या जजमेंट देगा, जो लोग WS ठीक तरह से नहीं लिख पाते हैं, ऐसे बहुत लोगों को एफटी में एफटी मेंबर बनने का, जज बनने का चांस मिला। हमारे पास डेटा है जिसके हाथ में WS लिखने का जो जितना नॉलेज चाहिए वो नॉलेज नहीं है, वो लोग क्या जस्टिस देगा। तो एफटी मुझे आज लगता है कि हमको जिस तरह से 19 लाख का जो मामला है, जो बात है, पहले भी कहा गया था कि टर्माइट है, 40 लाख लोग, इन लोगों को हम लोगों ने चुन चुन के आसाम से निकालेंगे। आज बोला जा रहा है कि 19 लाख लोग है, इनमें से कुछ तो इंडियन है, ज़्यादातर लोग फॉरनर है। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हमारे पास 1934 का लैंड डॉक्यूमेंट है, 51 का एनआरसी है, पूरा डॉक्यूमेंट है, क्या मैं बांग्लादेशी हूँ, क्या मैं विदेशी हूँ? अगर कोई बोलेगा उस 40 लाख में भी मेरा नाम था तब भी बताया गया था, मैं कहना चाहता हूँ ये मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन है, मेरा डिग्निटी जो है उसके ऊपर सवाल है। मैं इंडियन हूँ उसके बाद भी मैं अगर ट्रेन में जाता हूँ, एक दिन जब सबको पता है कन्हैया कुमार जब जेल में था तब वो न्यूज़ में पढ़ रहा था, ट्रेन में आसपास 3-4 लोग था, बोल रहा था आर यू पाकिस्तानी, गेट आउट फ्रॉम हेयर, मुझे बताया गया था। एक दिन बाज़ार में मैं घूम रहा था, कुछ लोग मुझे बोला था आर यू बांग्लादेशी, व्हाट इज़ दिस, इंडिया का सिटीजन हूँ फिर भी ये जो हमारे ऊपर जो बातें हैं इसकी कारण डर डर के जीना पड़ता है। मोर देन 60 लोग जो सुइसाइड कमिट किया है उनके पास कौन खड़ा हुआ है, ना स्टेट खड़ा हुआ है, सिर्फ अगर दिल्ली से अगर कोई जाके उनके पास खड़ा होता है तो सवाल उठाते हैं कि तुम लोग असम के बदनाम कर रहा हो बाहर। अगर हमारे साथ कोई खड़ा होते वहाँ जाके तो बोलते कि तुम अगर पोइट्री लिखते हो, हम कविताएं लिखते हैं मियाँ पोइट्री जो है, तो सवाल उठते तुम लोग असम की बदनाम कर रहा हो। जहाँ पर मेरा स्टेटलेस का सवाल है वहाँ पर अगर हम उस बात को लोगों के सामने रखेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा। और ये बात भी मुझे ऐसा लग रहा कि आज का ये जो मीटिंग है
यहाँ से जाने के बाद भी हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा सवाल उठेगा कि तुम लोग दिल्ली में क्या करने के लिए गया था। जब मेरा घर जल रहा था, तुम घर के पास बैठ के देख रहा था कि मेरा घर जल रहा है, लेकिन तुमने आवाज़ नहीं उठाया। जब दूसरे गांव से एक लोग जाके वहाँ का आग बुझाने के काम किया, तब तुम सवाल उठते हो बाहर से क्यों आके आग बुझाया। हम इंडियन हो तो इंडियन लोग जो है वो लोग तो हमारे पास खड़ा होगा ही। 1994 जब मैं 5 साल का बच्चा था, तब हमारा घर जलाया दिया गया था। वो BLT का बोर्ड लिबरेशन टाइगर जो टेररिस्ट एक ग्रुप है, अभी जो BTAD का BTAD जो रूल कर रहा है, उन लोगों का एक आंदोलन हुआ था और सालबारी सब डिवीजन नाउ इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट, हंड्रेड्स ऑफ विलेज आग लगा के जला दिया गया था। मेरा अंकल शेल्टर कैंप में गया था वहाँ अपना जान को बचाने के लिए। और उसी दिन 1994 24 जुलाई, उसी दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हितेश्वर शौकिया वहाँ पर विजिट भी किया था, लेकिन रात के 1 बजे के बाद उस शेल्टर कैंप में भी आग लगा दिया गया और वहाँ पर मेरा अंकल भी मर गया, जहाँ पर मोर देन 40 लोग को मार दिया गया था। और बाकी स्टोरी तो सबको पता है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये सब ख़त्म होना चाहिए और हमें जस्टिस मिलना चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए और जस्टिस के लिए हम लोग लड़ाई कर रहा है। और ये इस लड़ाई में मैं सबको अपील करूँगा कि असम में आप लोग आए और वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है, ना कि यहाँ पर भी ऐसे कुछ लोगों ने बयान दिया जिससे हम लोग सहमत नहीं है। किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ पता है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इस तरह से हमको निशा दिखाने के लिए कोई लोग जिनके पास पेन का पावर है, जिसके पास बोलने की ताकत है, वो लोग बोलते हैं। और हम तो है वो लोग जिसके पास ना पेन का पावर है ना बोलने का पावर है। अगर कोई बोलने का पावर रखते हैं तो उनको दबाने के काम, आपको सबको पता है 2017 में फेसबुक पोस्ट हुआ था, 2-3 दिन पहले वो पोस्ट भी डिलीट हुआ था। उस पोस्ट का 6 मिनट बाद के जो स्क्रीनशॉट है उसको लेके रहना सुल्ताना के खिलाफ केस हो गया है। 2 साल बाद क्या उसका क्या मीनिंग है? 2016 से मियाँ पोएट्री चल रहा था, आज क्यों? क्योंकि ये जो लोग कंसर्न है वो लोग आवाज़ उठाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, बातें करते हैं, NRC से जेन्युइन इंडियन सिटीजन एक्सक्लूड ना हो इस बारे में बात करती है। इसलिए इनका आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने के लिए जो काम है, मैं भी वो काम कर रहा है। 2017 में हमें धमकी दिया गया था, एक अननोन कॉलर था, +1400000 इस नंबर से कॉल आया था, जहाँ पर बताया गया था कि तुम अगर ये बातचीत बंद नहीं करोगे तो तुम भी जाओगे और तुम्हारे साथी भी जाएगा, मतलब मार डालेगा। और हमने पूछा था कहाँ से है आप, तो बताया था कि आसाम से हैं। उसके खिलाफ FIR भी दिया था, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी SP साहब को दिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या है ये इनजस्टिस नहीं है तो क्या है? तो हम लोग बोलना चाहेंगे कि आज का जो पैनल है, आप लोग महान लोग हैं, आप लोग हमारे बारे में जो सारे बातें हैं, ग्राउंड पे भी आइए और ग्राउंड पे देख के हमारे खिलाफ जो इनजस्टिस है, इनजस्टिस होना नहीं चाहिए, हम लोग जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। थैंक यू।